भाई यार, आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार सा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जो 100% आपकी लाइफ से कहीं ना कहीं रिलेट करता है, और इसके एग्जांपल भी आपने अपनी लाइफ में 100% कहीं ना कहीं देखे ही होंगे। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, जो है 15 से लेकर लगभग 18 की एज में तो ज़्यादा ही सेंसिटिव है, इसकी तरफ लगभग सबका रुझान हो जाता है एक तरीके से। और ये हमारा टॉपिक जो है ये है नशे से संबंधित है टोटली, और मोस्टली जो हमारा एक लार्ज टॉपिक चल रहा है जिसके ये सभी पार्ट्स हैं वो है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, और उसका ये पार्ट नंबर 6 है जो आज हम इस वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। तो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि भाई नशा है क्या। नशा आपने अभी तक बहुत बार नशे का नाम सुना होगा, पर कभी उसकी डेफिनेशन जानने की कोशिश की है या उसकी डेप्थ में जाने की कभी आपने कोशिश की है? शायद नहीं। तो चलो आज इसकी डेफिनेशन पता करते हैं कि नशा कहते हैं किस कंडीशन को, नशा होता क्या है। हमारे पास कई सारी कंडीशंस होती हैं कि जिनको हम नशा कह सकते हैं एक तरीके से। आपने सुना होगा भाई किसी को पैसे का नशा है, या बहुत लोगों को किसी अपने सुंदरता का नशा हो सकता है, पावर का नशा हो सकता है, ताकत का। दो चीजें हैं नशा और घमंड, जो कई बार तो हम दोनों को एक समझ लेते हैं कि नशा और घमंड एक ही है, जबकि ऐसा नहीं है। ये एक अलग चीज है, ये एक अलग कंडीशन है, और नशा एक अलग स्थिति है। इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं तो पता लगता है हमको कि कई बार जैसे हम नशा किसी केमिकल्स या कोई पदार्थ लेकर के करते हैं, और कई बार कोई बात बोलने से या सुनने से ही हमको नशा हो जाता है। तो एक ऐसी स्थिति, इस घमंड को तो हटा ही देते हैं, इसका तो इस्तेमाल अलग चीज के लिए किया जाता है। एक ऐसी स्थिति डेफिनेशन में लिख देता हूं, जिसमें व्यक्ति अपने दुखों और परेशानियों को पूरी तरीके से भूलकर आनंद या खुशी की स्थिति प्राप्त करता है, आनंद या खुशी की स्थिति प्राप्त कर लेता है। और अब मैं आपको इसका जो आसान भाषा में मतलब है वो भी बता दूंगा, एक बार डेफिनेशन लिख देता हूँ। ये क्षणिक या स्थाई हो सकता है, स्थाई हो सकता है। एक बार ध्यान से इस डेफिनेशन को पढ़ो कि नशा एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति अपने दुखों और परेशानियों को पूरी तरह से भूलकर आनंद या खुशी की स्थिति प्राप्त कर लेता है, यह क्षणिक या स्थायी हो सकती है। और एक छोटी सी चीज और ऐड कर देते हैं, इसमें कई रासायनिक या मनोवैज्ञानिक कारक हो सकते हैं, कारक शामिल हो सकते हैं। ये एक अप्लाइड डेफिनेशन है नशा जैसी एक कंडीशन की। इसमें मैंने एक चीज और ऐड कर दी है कि इसमें कई रासायनिक और मनोवैज्ञानिक कारक शामिल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई हमको बोलता है कि भाई मुझे तो सक्सेस का जो है नशा चढ़ गया है, एक तरीके से खुमार सक्सेस का मुझे आ गया है। तो इस कंडीशन का क्या मतलब है? इसका कंडीशन का मतलब है कि बंदे ने कोई केमिकल या रसायन यूज नहीं किया है, सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक स्थिति उसके दिमाग में पैदा हुई और उसकी वजह से उसको नशा हो गया। नशे का ये मतलब नहीं होता कि भाई कोई व्यक्ति है
और वो झूमता हुआ चला आ रहा है, लड़खड़ाता हुआ चल रहा है। आप बोलोगे किसने नशा किया हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो झूमता हुआ किसी और कारण से भी चला हुआ आ रहा होगा, कि भाई हो सकता है वो खुशी के कारण झूमता हुआ चला आ रहा है, लड़खड़ाता हुआ आ रहा है, या हो सकता है वो अभी नहीं कर रहा, एक्टिंग कर रहा है। तो हर कंडीशन में ये नहीं कह सकते भाई इसने नशा किया है। इस डेफिनेशन में अगर व्यक्ति फिट बैठता है, कोई आदमी इस कंडीशन को पूरा करता है, तो कह सकते हैं कि उसने नशा किया हुआ है। और इसमें भी कई सारी चीजें जैसे केमिकल यानी रासायनिक और ये साइकोलॉजिकल यानी मनोवैज्ञानिक कारक अगर उसमें है कंडीशन में, तो पता कर सकते हैं कि भाई ये नशा किस प्रकार का नशा है। अब हमको सबसे ज्यादा जो परेशान करता है और हमको जिसके एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, वो है रासायनिक प्रकार का नशा। केमिकल लेने से, सूंघने से या खाने पीने से जो नशा होता है, वो रासायनिक नशा या फिर जिसको हम सिंपली नशा बोलते हैं, वो वाला नशा कहलाता है। पर नशे में एक कंपलसरी चीज ये है कि बंदा जो भी नशा करता है या जो भी व्यक्ति नशा करता है, वो अपने दुखों से और परेशानियों से 101% निजात पाना चाहता है, उनसे दूर जाना चाहता है, छुटकारा पाना चाहता है, कि परेशानियां मुझे 1% ना हो और पर ये जो दुख है ये भी 0% भी ना मिले मुझे दुख। इस कारण से व्यक्ति या तो कोई केमिकल लेता है, या कोई स्पीच वगैरह सॉन्ग सुनता है, या फिर कुछ और सारी बहुत सारी चीजें हैं वो करता है, जो साइकोलॉजिकल लेवल पर उसको थोड़ा सा आनंद दे देती है, तो उस कंडीशन को नशा कहते हैं। अब सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे जो 10th लेवल पर नशे की जो डेफिनेशन है, वो इस तरीके से नहीं पूछी जाती, ये थोड़ा सा अपर लेवल की बात है, तो वो हमको जान लेनी चाहिए। बाकी अब हम एक और पॉइंट है जिसको डिस्कस करेंगे, वो है नशीले पदार्थ। अब उन पदार्थों के बारे में जानेंगे कि भाई कौन कौन से वो पदार्थ हैं जिनसे नशा होता है, या ये वाली जो कंडीशन है ये उत्पन्न हो जाती है, पैदा हो जाती है, उन पदार्थों के बारे में जानेंगे। आप सबने 100% उनका नाम कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। अभी मैं वन बाय वन उनको लिखता हूँ और हम उसको आगे वीडियो में डिस्कस करते चले जाएंगे। देखो आप सबने इस चीज का नाम 100% सुना होगा, गुटखा। जानते भी होगो, कई लोग तो इसका एक्सपीरियंस भी ले चुके होंगे कि भाई गुटखा क्या होता है, कैसी चीज है गुटखा। बाकी मैंने अभी तक इसका एक्सपीरियंस नहीं किया है। आपने बहुत सारी चीजें हैं जैसे सुपारी और भी कई सारे ब्रांड्स जो है मार्केट में चलते हैं गुटखे के नाम पर। एक ब्रांड का नाम है मामा, उज्जैन, ये मैंने भी नाम सुने हैं भाई, प्रैक्टिकली मुझे नहीं पता, क्योंकि आप सोचो कि भाई इन्होंने भी एक्सपीरियंस किया हुआ है, ऐसी बात नहीं है। तो ये जो सुपारी, मामा, जयंती, ये एक प्रकार के चबाने योग्य नशे के साधन हैं, जिनको दांतों से चबाया जाता है और चबा चबा कर उनसे कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, उनकी वजह से हमारे माइंड पर ऐसा इफेक्ट होता है कि हमको थोड़ी सी खुशी या उत्तेजना महसूस होती है, एक्साइटमेंट फील करते हैं हम इनको खाने पर ये चीजें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, इनका सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपका जो एज ग्रुप है, अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो, तो इस एज ग्रुप में 100% सुपारी, मामा, जयंती, जो इस प्रकार के गुटखा कैटेगरी में आने वाले पदार्थ हैं, उनकी तरफ दोस्तों की वजह से या फिर मूवीज या एड्स को देखकर हमारा रुझान 100% चला जाता है, तो इस पर थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। नहीं तो एक बढ़िया सा गिफ्ट भी हमको मिल जाता है, वो है सब म्यूकस फाइब्रोसिस नाम की भयंकर बीमारी। और ये बीमारी इतनी मस्त है कि बस क्या ही बताऊं आपको, जिसको ये बीमारी हो जाती है उसका जबड़ा पूरा नहीं खुलता है, उसकी एक अंगुली भी अंदर मुंह में नहीं जा सकती है, और उसको खाना खाने में, बोलने में भी दिक्कत होने लगती है। वो बोलता भी ऐसे जैसे अपने शब्दों को मरोड़ मरोड़ कर बोल रहा है भाई, शब्द उसके अंदर फाइटिंग कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से बाहर निकल के आ रहे हैं, जोर लगा लगा कर इस तरीके से दांतों को भुंद करके बोलता है। जैसे मैं एक्टिंग करके बताता हूँ थोड़ी देर लिए कि ये गुटका है सब म्यूकस फाइब्रोसिस, इसकी वजह से बीमारी होती है, सुपारी, मामा, जयंती, लाइक दैट, इस प्रकार से वो बोलने लग जाता है। और उसकी जबड़े की जो मांसपेशियां होती है वो इतनी ज्यादा संकुचित हो जाती हैं कि वो फिर से खुल नहीं पाती, और एक कंडीशन में फिक्स हो जाती है, यही लॉक हो जाती है जबड़े की मांसपेशियां, बहुत कम मूवमेंट कर पाती हैं, जिसकी वजह से ना तो बंद वो मामा खाने वाला या गुटखा खाने वाला जो व्यक्ति है वो ना तो ठीक से बोल पाता है, ना ही खाना ठीक से खा पाता है। तो आपके एज ग्रुप में इन सारी चीजों से दूर रहना चाहिए, इनको आपके सिलेबस में शामिल नहीं करना चाहिए, जो आपका डेली रूटीन है
स्क्रीन पर क्रॉस मार्क लगा देना चाहिए। तो ये तो रही बात गुटखे की, नहीं खाना चाहिए बिल्कुल भी 1% भी, क्योंकि इससे कोई फायदा होता नहीं है। आपको कई सारे आपके दोस्त लोग ये भी बोलेंगे कि भाई गुटखा खाने से मूड ठीक होता है, पढ़ाई में अच्छा दिमाग चलता है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं, ये एक मिथ है, ये बहुत बड़ा झूठ है, इसके ऊपर बिल्कुल भी आपको ध्यान नहीं देना चाहिए, ना ही इसको करेक्ट मानना चाहिए, ये तो 100% गलत है, गलत है, गलत है, इस चीज को कभी फॉलो नहीं करना चाहिए। एक और चीज है जो गुटखे वाली कैटेगरी से थोड़ी सी अलग है, वो है तंबाकू। इसका नाम भी शायद आपने सुना हो अगर आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हो तो, क्योंकि गांव में ज्यादातर जो हमारे दादा या और बुजुर्ग लोग हैं वो इसका सेवन करते हैं, और जिस तरीके से सेवन करते हैं उससे लगभग आप सब वाकिफ हैं, मतलब आपने उसका उनका नाम तो जरूर ही सुना होगा, हुक्के से और सीलन। ये दो वर्ड ऐसे हैं जो अगर कोई बंदा ग्रामीण है तो 100% उसने सुने ही होंगे गांव में, कि ये हुक्का चिलम नाम की कोई चीज होती है जिसमें तंबाकू वगैरह कुछ डालकर उसको गुड़गुड़ाया जाता है या पिया जाता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये चीज तो मैंने देखी भी है, अब क्या ही आपसे छुपाऊं, ये तो मतलब मैं भी ग्रामीण एरिया से बिलोंग करता हूँ, तो इस कारण से मैंने इसको बहुत करीब से देखा है, इसका मैकेनिज्म भी पता किया है कि ये कैसे काम करता है। साइंस का हूँ तो मैं इस वजह से साइंस के स्टूडेंट को ये क्वालिटी खुद के अंदर रखनी चाहिए कि भाई कौन सी चीज़ किस मैकेनिज्म पे काम करती है, क्या उसका कॉन्सेप्ट है, क्या उसमें सुधार किया जा सकता है, ये चीज़ें। तो ये जो हुक्का यानी कि जो तंबाकू है हुक्के से संबंधित, और चिलम, ये भी नहीं पीना चाहिए। अब बड़े बुजुर्ग अगर जो लोग पीते हैं उनको हम सलाह भी नहीं दे सकते कि भाई नहीं पीना चाहिए आपको, पर क्या करें, वो पीते रहते हैं, वैसे ही गलत चीज़ है। इसके अंदर एक बहुत खतरनाक एल्कलॉइड मिलता है जिसका नाम होता है निकोटिन, और ये निकोटिन बस क्या बताऊँ आपको, इतना जबरदस्त खतरनाक है कि जो हमारी रक्त वाहिनियां होती हैं जिनसे खून बहता है जिनमें से होकर, उनकी दीवारों को मोटा कर देता है। निकोटिन रक्त वाहिनियों की दीवारों को मोटा कर देता है। वाहिनियों की दीवारों को मोटा कर देता है। और जब रक्त वाहिनियों की दीवारें मोटी हो जाती है तो एक सीधी सी प्रॉब्लम जो आपके लिए समझ में आ जाएगी वो ये होती है कि जिन धमनियों से या एक तरीके से सिराओं से जो रक्त बह रहा था पहले, जिस कंडीशन में बह रहा था जब दीवारें पतली थी, तो वो अधिक बह रहा था, अधिक अच्छे तरीके से काम कर रहा था बॉडी के अंदर, लेकिन जैसे ही उस रक्त वाहिनी की दीवार अगर मोटी हो गई है तो वो जो खून है वो ज्यादा स्पीड से बहने लग गया, ज्यादा स्पीड, और इसका सीधा सीधा असर पड़ता है दिल पर, तो दिल से संबंधित बीमारी हो जाती है तंबाकू पीने से। लगातार जिसका सेवन करते हैं उनको दिल से संबंधित बीमारी तंबाकू पीने की वजह से पैदा हो जाती है, और इसके पीछे का जो कारण है वो बायोलॉजिकल भी थोड़ा सा अच्छा है और साइकोलॉजिकल भी थोड़ा सा अच्छा है, ज्यादा अच्छा नहीं है, मैं इसको बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ कि भाई ये तंबाकू हुक्का वगैरह पीना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं, पर मैंने अभी कुछ लेटेस्ट रिसर्च है उनको पढ़ा था न्यूज़ में कुछ ही दिन पहले, तो ये बात पता चली थी कि अगर जैसे कोई आदमी फर्स्ट यानी कि पहले अटेम्प्ट में जैसे हुक्का पीता है अगर, तो सबसे पहले ये निकोटीन उसके फेफड़ों में जाता है और फेफड़ों से सीधा ब्लड में चला जाता है, ब्लड में जाकर के ये क्योंकि ये दीवारों को मोटा करता है, वाहिनियों की दीवारों को, तो खून की स्पीड बढ़ जाती है, और अचानक से जैसे ही खून की स्पीड बॉडी बढ़ती है तो पूरी बॉडी में थोड़ी सी एनर्जी का एहसास होता है। ऐसा नहीं है भाई हल्क बन जाएंगे एक बार हुक्का गुड़गुड़ाया क्या बात है अब तो कार वार उठा खाए देने, ये बिल्कुल नहीं है, बाकी थोड़ी सी उनको उत्तेजना फील होती है, एक तरीके का स्टिमुलेशन उनको मिलता है कि भाई थोड़ी सी पावर बॉडी के अंदर आई है, स्पीडनेस, एक तरीके से जो अवसाद आया हुआ था, जो आलस आया हुआ था वो हट जाता है। पर ये कंडीशन केवल फर्स्ट वालों को ही महसूस होती है, सेकंड वाले भी कई बार महसूस कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे इसकी आदत हमारी कंटिन्यू होती जाएगी ये उत्तेजना घटती जाएगी और फिर ये सिर्फ एक बीमारी बन जाता है, तो इसलिए ये कभी नहीं पीना चाहिए। बाकी फर्स्ट में तो हर चीज इंटरेस्टिंग ही लगती है, बाद में उसकी पता चलता है असलियत कि क्या है भाई। तो ना तो हमें गुटखा खाना चाहिए ना ही तंबाकू का पान करना चाहिए। कई लोग तो डायरेक्ट ये हुक्के चिलम से तंबाकू को पीते हैं, और कई ऐसे भयंकर नशेड़ी भी हैं
जो डायरेक्ट चबा डालते हैं तंबाकू को। या आपने देखा होगा कुछ लोग यहाँ ऐसे हॉट को खींच करके यहाँ रखते हैं अपना, ये अंडर कवर छुपा कर, तो वो उनको उनको तो इंटरेस्ट देता है, बाकी आपको ये चीज़ नहीं करनी है। और मेरा मेन मकसद यही है कि आप लोग इस चीज़ को समझ जाएं अच्छी तरीके से कि भाई नशा क्या है, कौन कौन सी चीज़ें नशा हमारे शरीर में या दिमाग में पैदा करती हैं, और किस नशे से कौन सी बीमारी होती है, और किस नशे को हमें कब छोड़ देना चाहिए। यानी कि पहली बात तो यह है कि करना ही नहीं चाहिए, बाकी अगर गलती से भी हम उसमें लिप्त हैं तो उसको कितनी जल्दी से जल्दी छोड़ देना चाहिए। आपको जिस वक्त ये वीडियो देखने को मिल रहा है या कहीं से भी कोई एडवाइस मिली हो कि भाई ये नशा नहीं करना चाहिए, गलत है, तो उसी वक्त छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वाकई 100% ही गलत है, इसमें कोई अच्छाई नहीं है। तो ये तो भोले बाबा जाने कि भाई वो जो भांग गांजा या क्या क्या पीते हैं शास्त्रों के अनुसार, तो वो उसको कैसे बचाते हैं या उनका सिस्टम जाने, वो तो नाथ है सृष्टि के, बाकी तो हम ज़्यादा नहीं जानते। ये चीज़ें उनको ही समर्पित कर देनी चाहिए। स्टूडेंट्स को तो इन चीज़ों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, नहीं तो दिमाग 1% भी पढ़ाई के अंदर फोकस नहीं हो पाता है। और आप लोग जो चाहते हैं, आपकी डिजायर जो है कि भाई हम हमारी क्लास में तो कम से कम टॉप करें, वो नहीं हो पाता है, असंभव हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी हमारे जो कुछ टॉपिक इसमें बच चुके हैं, सब टॉपिक्स हैं, उनको अगले वीडियो में हम कवर कर लेंगे। थैंक यू।